हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक टिप्स और सीताफल के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सीताफल वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी और मीठा होता है, इसको खाने के लिए हर कोई पसंद करता तो है, लेकिन कैसे खाएं ये सोचकर हर कोई इसको अवॉइड करता है, और बच्चे तो उसको खाना चाहते हैं लेकिन कैसे खाएं ये सोचकर वो नहीं खाते, क्योंकि अक्सर ये मुंह पर लग जाता है, नाक पर लग जाता है, आँख पर लग जाता है, सही ढंग से इसको खा नहीं सकते। तो मैंने इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। हम जैसे सीताफल कोई भी लेके आते हैं, इसके दो पीस करते हैं, इस तरह दो पीस। आप कहेंगे इसमें कौन सी बुरी बात है, हम भी तो ऐसे ही करते हैं। आपने ये निकाल दिया, अब आप इसको चाहे तो चार भागों में करो, चाहे आप इसको दो भागों में करो। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट या कटोरी कुछ भी लेंगे, और हम इसको अंदर तक चाकू की सहायता से पूरा इसको निकाल देंगे। निकल गया। अब आपकी कटोरी में डाल के किसी भी उसमें डाल के बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये चम्मच की सहायता से निकल जाएगा। पूरा गूदा निकल आया, अंदर भी इसका कोई माल नहीं है। अब आप इसको एक कटोरी में डालकर बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को। अब आपको मैं एक और टिप्स बता रही हूँ इसकी, सीताफल की। अगर जैसे आपको खीर बनानी है तो आप कहेंगे इसकी खीर हम कैसे बनाएं। आप एक किलो या आधा किलो दूध लेना और उसको उबाल लो, और अगर आप खोआ डालना चाहते हैं तो 50 ग्राम खोआ डाल दो, और नहीं तो उसमें आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। राइट, कितना खाली हो गया, इसमें माल है नहीं है ना, और ये साफ भी हो गया। अब ये चम्मच के साथ खा सकते हैं, कटोरी में डाल के। अब मैं आपको एक और, मैंने ये लिया है सब्जी का कटर है, आप मिक्सी के जार में भी डाल सकते हैं या किसी में भी डाल देंगे, पर गाइड्स इसको धीरे धीरे ही चलाएंगे हम। इसमें ये इसलिए डालेंगे क्योंकि इसका गूदा अलग हो जाएगा और उसके बीज अलग हो जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। गाइड्स ये बीज बीज अलग हो रहे हैं और ये गूदा गूदा अलग से दिख रहा है, दिख रहा है। अब हम देखेंगे धीरे धीरे इसको करके, अब हम इसको निकाल तो लिया, लेकिन इसमें हम चम्मच से नहीं निकाल सकते बीज को, हाथ से ही निकालना पड़ेगा, ये हमारे हाथों को ही कष्ट करना पड़ेगा क्योंकि चम्मच उठा नहीं पाएगा, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये हमारे बीज इस तरह से अपने आप ही निकल आए। ये हमने कैसे छिलके खाते हैं ये मैंने दिखाया, तो उसके छिलके ये इस तरह हो गए। ये मैंने कैसे इसके बीज निकाले, अब इसमें से अभी थोड़े और निकलेंगे। ये भी दिखा दिया, तो इसकी ये इस तरह इसका मावा बन गया। आप ऐसे भी खा सकते हैं, और अब हम इसकी आपको रबड़ी भी बताएंगे और उसकी खीर बनाना बताएंगे। रबड़ी और खीर प्रोसीजर एक ही है। हम क्या करेंगे, पहले आधा किलो दूध उबालेंगे, उसमें हम मावा डालेंगे 50 ग्राम। अगर मावा नहीं डालेंगे तो मावे की जगह फिर हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, खूब सारा ड्राई फ्रूट डालेंगे, केसर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जैसे उसका कलर थोड़ा अच्छा आए। हल्दी नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं। फिर
पूरी तैयार हो जाए उसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने के बाद हम पूरी, हमें लगे कि अब वो गाढ़ी खीर हो गई है, फिर हम उसको गैस को बंद कर देंगे। उसमें गैस बंद करके 2 मिनट के बाद हम उसमें ये मावा डालेंगे और उसको घुमाएंगे और एकदम से हम इसको उसमें डालेंगे जिसमें भी हमको खाना हो, कटोरी में या कप में जिसमें भी, और ठंडी करके खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ऐसे ही खाएंगे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ठंडे में इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। आप ऐसे भी ट्राई करते देखिए। सो गाइस, आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।